अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर की मेन स्ट्रीट लाल चौक में और घंटा घर के सामने मैं मौजूद हूं। यहां पे कैंडल मार्च हो रहा है। कल जो हादसा पेश आया नॉन लोकल्स की किलिंग, और उसके बाद जो है आज उनकी याद में दिए जलाए रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि स्टॉप किलिंग, यानी कि किलिंग जो है वो रोक दो। आपको मैं ये भी बता दूं, कल रात जो हादसा हुआ था बिंदरू पे जो है अटैक हुआ था, उसके बाद उस पर अटैक होने के बाद जो है उनकी जान चली गई थी उस अटैक में। बिंदरू शॉप्स के जो ऑनर हैं मक्खन लाल सिंह, उन पर अटैक हुआ था, उसके बाद जो है उनकी जान चली गई थी उस हादसे में, और तहलका मच गया था। हर तरफ से जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और इसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला भी उनके घर तक पहुंचे और कई ज़्यादा पॉलिटिशियन ने उस पर ट्वीट भी किए, हालांकि आफ्ताब बुखारी ने भी किया, और उनकी याद पे एक नाम भी दिया गया एक सड़क को, जिसका नाम भी उनकी नाम पे रखा गया। आपको मैं बता दूं किस तरीके के जो हालात हैं वो बने गए हैं और किस तरीके के जो कैंडल मार्च हो रहा है यहाँ पे लाल चौक घंटा घर के सामने। लाइव विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। आपको मैं दिखा दूँ, ठीक किया, अगर ये गुनाह नहीं है तो हमें बताइए क्यों मारा क्यों। और दूसरा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, मां से जो बाहर से अपने बच्चों के पेट पालने के लिए यहाँ पर आया, क्या उसको भी मारा, उसने उसका कसूर क्या है। और तीसरा जो बांडीपुरा में जो वहाँ पर शबीर साहब, जो वहाँ पर प्रेसिडेंट सोमो स्टैंड का है, उसका कसूर क्या है। खुदारा मुझे बताइए क्या किया इन्होंने, कौन सा पॉलिटिकल जी थे, ये बिजनेस वाले थे, ये अपना काम करते थे, क्यों मारा। ताकि ये एजेंसी चाहती है यहाँ अमन हो गया है, अब वही 90 की दिशा में हम जाएंगे। लेकिन उनको भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि खबरदार है, हमारे पास अब बुलंद हो रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अगर कल बिंदरू मर गया, 1000 बिंदरू पैदा होंगे। अगर कल शफी साहब बांडीपुरा में मर गया तो 1000 बांडीपुरा में शफी पैदा हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको बता दूं कि इस तरीके के जो कैंडल मार्च है वो उनकी याद में दिया गया, और कई तरह सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों किलिंग हो रही है, आखिरकार क्यों मारा जा रहा है। और इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि कैंडल मार्च यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है किया जा रहा है। और आपको ये भी बताऊंगा, लाल चौक मेन स्ट्रीट में जो है इस वक्त कैंडल मार्च किया जा रहा है, और बैनर जो लगा है बैनर पे लिखा है आखिर कब तक लेट कश्मीर लेट अस यूनाइट, यानी कि आखिर कब तक जो है किलिंग करेंगे, आखिरकार इस अनून गनमैन के पीछे जो है कौन है। और काफ़ी तरह ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें जो है ऐसे ही मारा गया। और इसमें मैं ये भी आपको बता दूं, कल जो है तीन हादसे ऐसे पेश आए, एक जो है लाल बाजार से पेश आया, एक जो है जहांगीर चौक यानी कि बिंदरू का जो ऑनर है उस पर पेश आया, और उसके बावजूद बांडीपुरा से भी एक हादसा जो है वो पेश आया। और ये जो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आ जाओ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कैंडल मार्च चलाया गया उनकी याद में। और इनका यही मोटिव है कि अमन रहे, चैन रहे, और कोई ऐसा हादसा दोबारा ना पेश आए जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। अभी पूरी तरीके से जो है नहीं बताया गया किस तरीके से जो है ये अटैक हुआ है, मगर जिस तरीके के अटैक हुआ है उसके बाद जो है पूरे लाल चौक में जो है खामोशी छा गई, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी उनके बिंदरू के जो है घर तक गए, और फारूक अब्दुल्ला भी गए, उसके बाद अल्ताफ बुखारी भी, और जुनैद अजीमतू जो कि मेयर हैं, उन्होंने भी जो है उसकी उनकी यादगार में एक नाम दे दिया सड़क को, जो नाम उसकी जो नाम है बिंदरू का, उन्होंने उनका नाम वही रख दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाल चौक घंटाघर के विजुअल्स जो हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के विजुअल्स हैं, किस तरीके के जो है कैंडल लाइट मार्च किया जा रहा है बिंदरू की याद में। आपको नज़दीक लाऊंगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कल रात जो हादसा पेश आया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि जो तीन किलिंग कल हुई है ये गलत हुई है, इसको कंडम हम करते हैं। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि ये जो किलिंग हुई है, खुदारा ये शहीद जो हुए हैं इनका क्या कसूर है, डॉक्टर एमएल बिंदरू साहब का, क्या ये गरीबों का मसीहा था, क्या ये गलत किया है उसने। अगर गलत किया है ये लोगों को मदद करना तो इसने ठीक किया है, उग्रवाद ने ठीक किया है, टेरिस्ट ने ठीक किया कि मारा। और दूसरा जो गोलगप्पे वाला जो अपने अयाल के लिए यहाँ पर काम करने की तलाश में आया, क्या उसका कसूर यही है कि यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी कर रहा था, उसको मारा, क्या ये गलत है।
तीसरी जो सोमू ड्राइवर वहां पर जो प्रेसिडेंट है वहां पर शफी साहब बांडीपोरा में जिसको मारा गया उसका कसूर क्या था? खुदारा मैं कहना चाहता हूँ कसूर क्या था। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख भाई थे और भाई रहेंगे। ये है मुस्लिम जो कल मारा गया है बांडीपोरा में, जो महमल बिंद्रू कल मारा गया, गोलगप्पे वाला मारा, इसका कसूर क्या है? ये मुझे जवाब दे, मैं जवाब चाहता हूँ। आखिर कब तक ये किलिंग बंद हो जाए? हम तब तक प्रोटेस्ट रखेंगे। आज इसलिए हमने कैंडल मार्च किया है और हिंदू को भी अब कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बना रहा है। क्यों? क्या ये जमीन उनकी नहीं है? क्या ये जन्मभूमि उनकी नहीं है? क्या हम ये लोग यहाँ के नहीं है? क्या हम बाहर से आए? क्या हम अफगानिस्तान से आए? पुरानी जो तीन सरकारें थी महबूबा एनसी और कांग्रेस, वो कल क्यों चुप थे? मैं खुदा उनसे बोलना चाहता हूँ, वो क्यों चुप कल क्यों थे? उन्होंने ट्यूट क्यों नहीं किया? कल लेट किया। क्या वो नहीं चाहते है क्या अमूल चाहे? क्या वो चाहते नहीं है बजारी यहाँ पर चाहे? क्या वो 90 से ही 90 को ही हम पिछले लौट जाएंगे? और उनको भी मैं कहना चाहता हूँ अब यूथों की, यहाँ के कश्मीरी नौजवानों माँ बहनों की अब खाने खुल गई है, अब वो ऐसे नहीं करेंगे और हमें पता है अमन कैसे लाना है और अमन रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त जिस तरीके के हालात लाल चौक में बने हैं घंटाघर के सामने वो आपको पूरी दिखाने की कोशिश की। और ये भी बता दूं कल जो हादसा पेश आया उसके बाद जो आज कैंडल मार्च किया गया और लाल चौक घंटाघर के नीचे ही कैंडल मार्च लगाया और बैनर पे लिखा है आखिर कब तक यूं किलिंग होती रहेगी, इसके पीछे जो है कौन है अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। आप देखते रहिए जेके रिवॉल्यूशन।